नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज जनपद में सैनी समाज समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ा हो गया है। दरअसल सैनी समाज के बड़े नेता दिलीप सैनी ने इस बात का ऐलान किया है कि सैनी समाज इस बार समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन करेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा सरकार बनने पर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई, समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू करने व किसानों को ब्याज मुक्त लोन जैसी सुविधा देने का वादा किया गया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर इन सभी बातों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने सैनी समाज के लोगों से ज्यादा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मंगलवार को उन्होंने सैयदपुर सकरी गांव में सैनी समाज के लोगों से घर घर जाकर सपा के सदर से प्रत्याशी अनिल दोहरे के पक्ष में वोट मांगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे जिले में तीनों विधानसभाओं में सैनी समाज के लोगों से घर घर जाकर मुलाकात कर उन्हें समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे। इस दौरान सैनी समाज के नेताओं में सुनील सैनी, विजय सैनी, राजेश सैनी आदि मौजूद रहे। सीबू सैनी की रिपोर्ट। आज किस तरह के आपने गांव को जाकर निरीक्षण किया है, क्या देखा आपने? गांव में हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने निकले हैं जी। यहां के प्रत्याशी अनिल दोहरे विधायक, पूर्व विधायक भी हैं और 3 बार से जीत चुके हैं। और हम लोग अखिलेश यादव की जो उन्होंने बताया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी हर घर को जी, और समाजवादी पेंशन की पुनः शुरुआत करेंगे, और जो किसान जो लोन लेगा अब उस लोन पर ब्याज मुक्त होगा, ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज सरकार देगी। और जो बता रहे कुछ लोग भाजपा सपा सरकार में विकास नहीं हुआ था, उस पर क्या? सपा सरकार में कन्नौज जनपद में जो विकास हुआ है वो भाजपा का तो कतई हुआ ही नहीं है। भाजपा के लोग एक कोई भी 5 काम बड़े या 2 ही काम के बता दें कि जो भाजपा ने कराए हों। समाजवादी पार्टी के सरकार में जो कार्य हुए हैं वो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर ही पाई है और ना ही कर पाएगी। हमारे सांसद जो सुब्रत जी भी हैं तो वो भी कुछ काम नहीं कर पाए। तो अभी कितने गांव में आपने वोट मांगे? हम अभी 2-4 गांव में वोट मांग चुके हैं। कौन आज की तारीख में? सैयदपुर सकरी और ये मोचीपुर में है, और तेरा मल्लू और क्या नाम उसका, पिहानी नहीं, मधुपुर नेरा में भी गया था। वोट मांगने काम कर रहे हैं आप? विधायक जी के लिए वोट मांगने काम कर रहे हैं? विधायक जी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। विधायक जी को जिताना है, अखिलेश यादव को भी जिताना है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं अखिलेश यादव के लिए ही वोट मांग रहे हैं एक तरीके से। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।